जो कुछ अशर कर दिया है वो आपके सामने है। मुझे एक बात बताएं अंकल, मैं चूंकि पंजाबी का शायर हूँ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, बिस्मिल्लाह जरूर, मैं अपनी सारी कहानी एक कते में सुना के चला जाऊंगा। बिस्मिल्लाह, तो कर कर के अपने जमीरा दे सौदे ले लै के कर्जे वतन बेच गए नी, कर कर के अपने जमीरा दे सौदे ले लै के कर्जे वतन बेच गए नी, चप्पा चप्पा रख के मां दा गिरवी तियां पैणा दे बदन बेच गए नी, और डालरा दे भुखे ते दुनिया दे कुत्ते फल पक गया ते चमन बेच गए नी, और बेईमाना दा केड़ा ईमान है अमजद कबर बेच गए नी, कफन बेच गए नी। बदकिस्मती बदकिस्मती, और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं नाज़रीन, इनकी बात मुझे हरफ व हरफ सच महसूस हो रही है, और ये आज के लिए नहीं है, आज से 10 साल पहले भी ऐसे था, उसे 20 साल पीछे भी ऐसे ही था, उसे 30 साल पीछे भी ऐसे ही था, 47 से लेकर आज तक मामलात वही चल रहे हैं। अच्छा मुझे बुजुर्गों एक चीज बताइएगा कि आपका अदब से ताल्लुक है, पढ़े लिखे आदमी और पंजाबी की आप बात करते हैं, मियां साहब गए थे दुआई लेने के लिए, कुछ कहना चाहेंगे कोई उनके लिए? मैंने क्या कहना है, ये तो सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद है, किसी टांगे वाले को, रिक्शे वाले को, अंगूठा छाप का को पूछ लो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनको भी पता है। मेरा छोटा भाई वही लंदन में टैक्सी चलाता है। अच्छा जी। वो कहता है कि मैंने आज तक नहीं देखा कि मियां साहब अपनी मर्जी से कभी किसी मार्केट में या किसी दुकान में या किसी वो जगह पे जा सके हो, क्या फायदा यार ऐसी दौलत का, खुदा की कसम, इज्जत बड़ी चीज होती है, वकार बड़ी चीज होती है, आप एक छोटे से किसी भी आदमी को गाली दे के तो दिखाएं, वो आपको कैमरे समेत यहाँ से नहीं जाने देगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जायज़। सुबह शाम गालियां पढ़ ली है, जैसे घड़ियां होती थी वाटर प्रूफ, ये गाली प्रूफ हो चुके हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। बदबख्ती का आलम यह है कि हम तो हैरान है जी, $75 अरब कर्ज है और 100 अरब बाहर पड़ा हुआ है, कौन लाएगा? ये पिछले दिनों में कुछ कटे खुले थे, वो कटे पाकिस्तान के कुल कटों से ज्यादा। जब कोई लाने की कोशिश करता है कि लाएं, रास्ते में इतनी दीवारें हैं कि सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, होता लाने वालों की नीयत भी साफ होती है, मैं आप खान साहब की बात कर रहे हैं। साफ जाहिर है, लाने वालों की नीयत साफ होती है तो तभी वो ऐसे करते हैं ना जी। हम तो भाई खान साहब को जिंदाबाद सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि उसमें गैरत है, उसने गैरत की है। के वाले क्या कहेंगे? जब तक आप सुपर पावर के नीचे लगे हुए हैं, कुरान कहता है यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, और यहाँ जमीन पे बैठ के ये आजकल के खान साहब कहते हैं कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, बराबरी पर ताल्लुक रखेंगे, वो तो 100% दुरुस्त कहते हैं, ठीक है कि बिल्कुल बराबरी। यही नैरेटिव आज से 3 महीने पहले मुख्तलिफ था, वो ये कहते थे कि हुकूमत अमरीका ने गिरवाई है, क्या अवाम को सबने ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया? वह यहाँ किसने अपनी मर्जी से किया? मुझे तो असगर खान की वो बात याद आती है, उससे पूछा गया था, पुराने जख्म आप उखेड़े हैं के बाद अपनी, उसने वो जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने कहा था कि खुदारा आज ना मुझे तुम्हें कसम है कि अब अपने नियत से बताओ कि अपनी मर्जी से हुकूमत किसने किया, उसने कहा सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, और फिर नतीजा भुगत लिया अपनी मर्जी से, और नतीजा आपके सामने है, तो अब भी नतीजा निकल आना था, ये अल्लाह ताला ने बचा लिया, नतीजा तो निकल आना था। मैं और इसलिए बात कहूंगी, ये पब्लिक के जज्बात हैं, अल्लाह आपसे राजी हो जी, लेकिन जो बात इन्होंने कही है, हमारे बुजुर्ग है, इन्होंने दिल से कही है, वजह आपको बता देता हूँ कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस वतन अजीज को दी है, और दे आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ द नेशन। आज नौजवान नस्ल को नहीं पता, हमें नहीं पता, मैं हकीकत बताऊंगा, हमें नहीं पता कि मामलाते जिंदगी कैसे चलते हैं, हमें सीखते सीखते बाल सफेद होते होते उम्र निकल जाएगी।